हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन टू अनदर वीडियो। सबसे पहले तो आप इस व्हाट्सएप बोट के फीचर्स देखिए, इसमें 200 से भी ज़्यादा फीचर्स हैं। आपको एक व्हाट्सएप बोट में जो कुछ चाहिए होता है, जैसे कि एंटी लिंक, स्टिकर मेकर, सारे एआई फीचर्स, और कुछ लोग बोलते हैं कि इसमें ऑटो स्टेटस व्यू बोट चाहिए, तो इसमें वो भी आपको मिल जाता है। और अगर आपको अपने ग्रुप को स्पैम लिंक से प्रोटेक्ट करना है तो आप एंटी लिंक इनेबल कर सकते हैं। इसमें इनबिल्ट डाली का फीचर मिलता है, जिससे आप कोई भी हाई क्वालिटी इमेज जनरेट कर सकते हैं। और साथ ही चैट जीपीटी का फीचर भी मिलता है, जिसमें आप किसी भी प्रकार की कोई लिमिट नहीं है। और आप किसी भी लो क्वालिटी फ़ोटो को हाई क्वालिटी में कर सकते हो, बिल्कुल एक कमांड की हेल्प से। और भी बहुत सारे फीचर्स हैं जो कि आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, और अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगे तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ओके, लेट्स स्टार्ट द ट्यूटोरियल। सबसे पहले आपको आपके ब्राउज़र में गिटहब में चले जाना है। उसके बाद में यहाँ कुछ लोगों को गिटहब के साइनअप में प्रॉब्लम आता है, तो आपको यहाँ पे साइनअप पे क्लिक करना है। और अभी हम यहाँ पे नया अकाउंट बनाएंगे, तो आप यहाँ पे अपना रियल जीमेल यूज़ करें, कोई टेम्प मेल यूज़ ना करें। मैं यहाँ पे अपना आउटलुक ईमेल यूज़ कर रहा हूँ। उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करें और एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड सेट करें, फिर कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है और एक यूज़र नेम सेट कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आप वाई और एन कुछ भी टाइप कर सकते हैं और फिर कंटिन्यू। उसके बाद में आपको एक कैप्चा सॉल्व करना है और फिर सबमिट कर देना। अभी यहाँ पे क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद में आपको अपने जीमेल पे जाना है, वहाँ पे आपको एक कोड मिलेगा, वो ला के पेस्ट कर देना। यहाँ से कोड कॉपी करना है और फिर पेस्ट कर देना है। उसके बाद में यहाँ पे सिलेक्ट करना है जस्ट मी और स्टूडेंट और फिर क्लिक ऑन कंटिन्यू। यहाँ पे कुछ भी सिलेक्ट नहीं करना है और कंटिन्यू पे क्लिक करना है और यहाँ पे कंटिन्यू। अब आप देख सकते हैं आपका गिटहब अकाउंट कंप्लीट सेटअप हो गया है। अभी आपको ये पोर्ट का गिटहब लिंक डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से कॉपी करके आप देख सकते हैं। अभी आपको यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक करना है, उसके बाद डेस्कटॉप साइट ऊपर स्क्रॉल करना है और यहाँ पे आप देख सकते हो फोर्क पे क्लिक करना है। क्लिक ऑन फोर्क, फिर क्रिएट फोर्क।
अब थ्री डॉट पे क्लिक करना है, ये डेस्कटॉप साइट रिमूव कर देना है। अभी कुछ लोगों को दिक्कत आती है कि हमारे पास टू डिवाइस नहीं है QR स्कैन करने के लिए, तो इसमें आपको उसकी ज़रूरत भी नहीं है, सिर्फ एक डिवाइस ही काफ़ी है। तो आपके नीचे स्क्रॉल करना है और सेशन ID पे क्लिक करना है। फिर प्ले बटन पे क्लिक करना है। यहाँ आपको अपना व्हाट्सएप नंबर पेस्ट करना है जिसपे आप बॉट बनाना चाहते हैं। और अगर आपको भी मेरी तरह वर्चुअल नंबर चाहिए तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख के बना सकते हो। नंबर कॉपी करने के बाद में आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है और फिर एंटर प्रेस कर देना है। यहाँ पे आपको एक कोड मिलेगा, वो आपको व्हाट्सएप में जाके टाइप करना है। अब यहाँ पे आपको जो पहले से डिवाइस अगर लॉगिन है तो उसको लॉग आउट कर देना है एंड लिंक विद फोन नंबर इंस्टेड पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पे आपको वो कोड टाइप कर देना है। अब आप देख सकते हैं आपका व्हाट्सएप बॉट लिंक हो चुका है। अभी आपको अपना चैट में एक मैसेज आएगा सेशन आईडी का, इसको सेव करके रख लेना है। ये जो लिखा हुआ है ना ग्रू और इसके आगे कुछ, वो आपके बाद में काम आएगा। अभी आपको फिर से गिटअप पेज पे चले जाना है। अभी ऊपर स्क्रॉल करना है और यहाँ पे आपको config.js पे क्लिक करना है और उसके बाद में 3 डॉट पे क्लिक करना है और एडिट इन प्लेस। अब यहाँ पे आप चाहो तो अपना बोर्ड का नेम, ऑनर नेम, नंबर वगैरह सब कुछ चेंज कर सकते हो। और फिर कमिट चेंजेस पे क्लिक कर देना है और फिर अगेन क्लिक ऑन कमिट चेंजेस। उसके बाद में गुरु बोर्ड पे क्लिक करना है और फिर से गुरु बोर्ड। अभी आपको नीचे स्क्रॉल करना है और आप चाहो तो किसी भी प्लेटफॉर्म पे डिप्लॉय कर सकते हो। अगर आपके पास हीरोको अकाउंट नहीं है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ पे अभी सबसे इजी हीरोको पड़ेगा, तो मैं आपको हीरोको पे डिप्लॉय करके दिखाता हूँ। क्लिक ऑन हीरोको डिप्लॉय। क्लिक ऑन डिप्लॉय और यहाँ पे आपको गिटअप का यूजर नेम देना है। और फिर क्लिक ऑन ओके।
अगेन ओके। मेरे पास यहाँ पे ऑलरेडी अकाउंट है तो मैं सीधा लॉग इन करूँगा। अगर आपके पास नहीं है तो आप क्रिएट कर सकते हो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से। रोकू का कंप्लीट ट्यूटोरियल आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा। लॉगिन होने के बाद आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा और यहाँ पे आपको ऐप नेम में कुछ भी टाइप कर देना है। मतलब और फिर सेशन आईडी जो भी आप कुछ अपने चैट व्हाट्सएप चैट में रिसीव हुई थी इसको कॉपी करके वहाँ पेस्ट कर दे। बाकी उन दोनों को ब्लैंक रहने देना है। क्लिक ऑन डिप्लॉय ऐप। अभी ये यहाँ पे 5 से 6 मिनट लेगा डिप्लॉय होने में, डिपेंड करता है आपके इंटरनेट स्पीड पे। ये डिप्लॉय हो तब तक आप इस वीडियो को लाइक कर देना और अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। और अगर आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स पे अपना मैसेज टाइप कर देना। तो फिर आपको यहाँ पे मैनेज ऐप का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करना है। और यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है। अगर बोट इनेबल नहीं हो तो आपको सेकंड ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको देखना है कि ये इनेबल है या नहीं है ये बटन। वैसे तो ऑलरेडी ये इनेबल रहेगा, फिर भी कंफर्म कर देना। फिर यहाँ पे मोर पे क्लिक करना है, फिर व्यू लॉक्स। अभी आप देख सकते हो आपके बोट में मैसेज आना चालू हो गया और आपके मैसेज यहाँ पर शो हो जाएंगे। बोट को टेस्ट करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो बोट पे मैसेज चालू हो गया है। डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन आवर टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। Like the video and subscribe our channel.